हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल। तो जी, हम आ गए हैं, ठीक है। और टैरो क्लासेस से रिलेटेड हम एक ज़रूरी सूचना पहले दे देते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो टैरो क्लासेस का बैच जो है वो शुरू होने वाला है 20 अक्टूबर से, ठीक है। एक तारीख तक आप एनरोल करा सकते हैं, जिसमें आपको 1000 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप एनरोल कराएंगे, क्योंकि कुछ लोग हमें बता रहे थे, बोल रहे थे, मतलब कि नवरात्रि में एनरोल कराना चाहते हैं, कोई बात नहीं, नवरात्रि में एनरोल करा लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। तो और 1 तारीख तक आप अगर एनरोल कराएंगे तो आपको जो है 1000 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको फुल पेमेंट ही करनी पड़ेगी। नवरात्रि तो वैसे भी आपको पता है कि बहुत शुभ समय होता है, तो भाई कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। लेकिन हाँ, 1 तारीख तक जो है आपको एक डिस्काउंट रहता है, 1 तारीख के बाद अगर आप एनरोल कराएंगे तो वो डिस्काउंट नहीं रहेगा, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जानकारी देख सकते हैं, सारी जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। कार्ड्स हमने शफल करना शुरू करा ही था कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड दिखाई दिया है। देखिए, इसी डेक का इस्तेमाल करने वाले हैं हम आज, क्योंकि हम आज चेक करने वाले हैं मेजर चेंजेस, जो बहुत बड़े वाले परिवर्तन कौन कौन से आपके लाइफ में आने वाले हैं, कुछ दिनों के अंदर ही आप जिनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर और कुछ महीनों के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 महीनों तक की ही हम रीसेंट, बिल्कुल एकदम 3 महीने का, नेक्स्ट 3 मंथ्स का ही हम चेक करेंगे। तो ये जो चेंजेस है, ये जो परिवर्तन है, जो मेजर वाले होंगे, ये कम से कम आप कुछ हफ्तों के अंदर ही अपनी लाइफ में देख सकते हैं, कुछ दिनों और कुछ हफ्तों के अंदर, ठीक है। उससे पहले हम आपको हीलिंग दे देते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशंस सही में पूरी होने वाली हैं कुछ दिनों के अंदर। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नज़र न लगे टचवुड। कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है, तो कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो भी डार्क एनर्जीज ना हो, कुछ ईमानदारी से, कुछ अच्छे इंटेंशंस के साथ, कुछ वाइट चीज़ें आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो डार्क एनर्जीज नहीं है ऑब्वियसली, तो वो मैनिफेस्टेशंस सही में आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी वो फ्रूशन में आने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। और दूसरी बात, किसी चीज़ का आगाज़ होने वाला है। आगाज़ जिसको बोलते हैं, मेरे हमको एकदम आगाज़ वर्ड ही सुनाई दिया था, गूगल कर लो आगाज़ को क्या कहते हैं। आई थिंक शुभारंभ, किसी चीज़ का एक कुछ एक नया, बिल्कुल आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यूनेस रहेगी। मतलब ये अब तक आपने कभी किया नहीं होगा, ये एकदम नया ही है कुछ, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ का आगाज़ होने वाला है, एकदम नया शुभारंभ, मतलब एकदम बिल्कुल किसी चीज़ का एकदम पॉजिटिव शुरुआत होती हुई हमें हीलिंग पे लगा है। पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दिया है, तो परेशान होने की तो बात नहीं है। और दूसरी चीज़ हमने आपको बताया है कि कुछ जो लोग हैं, किसी की मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो पूरी होने वाली हैं, तो ऑब्वियसली जो हीलिंग है वो पॉजिटिव आया है, ठीक है। और अभी रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि आपके
जो है नियर, बहुत बहुत नियर, एकदम रीसेंट फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपकी लाइफ में आ रहा है अगले 3 महीनों के अंदर, आप कौन कौन से एक, हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक नया, अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर खुद से लिखने वाले हैं। तो अच्छा है, हमारे गाँववासी अगर ऐसा कुछ करेंगे तो गाँव का मुखिया तो बड़ा खुश होगा भाई। ठीक है, तो कुछ हम डेस्क लेके बैठे हैं, तो जिनमें से एक सीक्रेट इंडियन टैरो डेक है जो हम यहाँ पे लेके ही बैठे हैं, ये वाला, तो इसी से हम कार्ड्स पे लेंगे मेजर अरकाना। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 4 या 5 मेजर अरकाना लेंगे, टैरो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ओरेकल डेक्स भी हम लेकर ही बैठे हैं, तो देखते हैं क्या है, चेक कर लेते हैं कि वॉट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब एक तरह से आप क्या नेक्स्ट मेजर चेंज इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, पहला कार्ड आ चुका है, हायरोफेंट, ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, आत्मन, हायरोफेंट का कार्ड पहला कार्ड है। इतना विजडम गेन कर चुके हैं आप लोग ऑलरेडी, हमने बोला ही था। ठीक है, डेविल का कार्ड दिखाई दिया था हमको, मतलब फ्लिप हो गया था, मेजर चेंजेस में। और अगर डेविल आया भी तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने बहुत सारे एडिक्शंस, टेम्पटेशंस पे फाइनली जीत हासिल करेंगे, उनको काबू करेंगे। ठीक है, कंट्रोल उन पे लगाएंगे, लगाम स्थापित करने में पूरी तरीके से कामयाब होंगे। लगता है हमको खुद ही लेना पड़ेगा, कार्ड नहीं आ रहा, पहला कार्ड तो फिर भी आके गिरा था। खुद ही ले लेते हैं, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या आ सकता है, चैरियट। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत अर्दी एनर्जीज हैं काफ़ी, मतलब ये देखिए, अगर आप देखें तो ब्राउन ब्राउन सी, बहुत मिट्टी मिट्टी वाली एनर्जीज हैं, मडी मडी सी, तो अर्थ की वाइब्स आ रही है हमें। हालांकि हायरोफेंट जो होता है वो टॉरस एनर्जीज होती है, और चैरियट इज़ कैंसर एनर्जीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है जो अगले 3 महीनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आने वाले 3 महीनों के अंदर, दिसंबर तक, दिसंबर एंड तक, ठीक है, ईयर एंड तक, जो ये साल जाते जाते आपको देकर ही जाएगा। खुद ही लेते हैं, दी एम्परर। अच्छा, ये कौन है प्राणी जो आपको, पुरुष, डिवाइन मैस्कुलिन, ओके। कुछ लोगों को यहाँ पर, एक खासकर जो फीमेल्स देख रही हैं, आपको डिवाइन काउंटर पार्ट आपको इसी साल मिलेंगे, दिसंबर ख़त्म होने से पहले ही। वॉट एल्स, दो दो कार्ड एक साथ नहीं लेंगे, 3 कार्ड आ चुके हैं, 3 कार्ड और लेना चाहते हैं हम नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ्स, ओह 6 मंथ्स हो रहा है, तो 3 मंथ्स में 6 कार्ड्स हम लेना चाहते हैं कि मेजर चेंजेस क्या क्या हैं ये। एम्परर के बाद एम्प्रेस, नए मेहमान की भी आने की संभावना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एम्पर, एम्परर, एम्प्रेस, तो डिवाइन काउंटर पार्ट आपको यहाँ पे मिलते हुए, कुछ लोगों की लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही आपके लाइफ पार्टनर के तौर पे दिसंबर तक आपके लाइफ में कमिटमेंट लेकर आ जाए, क्योंकि चैरियट का भी कार्ड है यहाँ पे। चैरियट के तुरंत बाद एम्परर आया था, तो 2 कार्ड और लेंगे। द वर्ल्ड, कुछ लोग बिल्कुल दुनिया के किसी और ही कोने में जाके रहने वाले हैं अगले 3 महीनों के अंदर, ऐसी कोई शुरुआत, एक बुनियाद आप रखेंगे जहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें कि माइट बी पॉसिबल आपके कुछ टूर्स एंड ट्रेवल्स के प्लान बने, या कहीं पर आप कहीं और वर्क या जॉब लोकेशन कहीं पर चेंज होती हुई आपकी। और फाइनल कार्ड आ गया है खुद से ही, हर्मिट। अरे वाह, पेड़ के नीचे अंग प्रदर्शन करना बंद करिए ना ऋषि, ऋषि कपूर नहीं हैं आप, समझे? तो नहीं, ये आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है ऐसे नंगे बदन जो है पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएंगे, ये नहीं है, ये हर्मिट का कार्ड है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये, अरे भाई पहला कार्ड हायरोफेंट है, यहाँ भी विजडम,
और यहाँ पे हर्मिट, यहाँ भी विजडम, मतलब अपनी एक्सपीरियंस से आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाने वाले हैं आने वाले टाइम में भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक हीलिंग एनर्जीज, हीलिंग वाइब्स हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। हर्मिट एनर्जीज, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो चरम पर रहने वाली है भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखने का इरादा था लेकिन हमने देखा भाई, देखा सन है तो सारे मेजर अरकाना तो आपको पता ही है पॉजिटिव आए हैं, ठीक है, शुक्र है। अगले 3 महीने बहुत बेहतरीन होने वाले हैं भाई, मुबारक हो, ठीक है। एक भी कोई हैंगमैन नहीं आया, कोई टावर नहीं आया, कोई डेथ नहीं आया है, ट्रांसफॉर्मेशंस ये सब चेंजेस ही हैं एक तरह से, फिर भी पॉजिटिव तो आया है ना, है ना। तो कोई भी डेविल नहीं आया, इससे अच्छी बात और कोई हो सकती है क्या। तो बॉटम ऑफ द डेक सन है, तो आप अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल जो हैं वो इन अगले 3 महीनों में जीने वाले हैं भाई, मुबारक हो, नज़र ना लगे, ठीक है। हम ये पोस्ट कार्ड, हम ये पूरी रीडिंग करने के बाद यहाँ से कुछ पोस्ट कार्ड निकालेंगे, हमको लगता है कि इस्तेमाल करना चाहिए आज पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम स्पिरिट। तो स्पिरिट आपको क्या बताना चाहती है इस दौरान पे, एक कार्ड हम यहाँ से भी लेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक ओरेकल ले लेते हैं और उसके बाद हम ये वाला भी इस्तेमाल करेंगे, सोर्ड ऑफ लाइट। तो यहाँ से इस समय हम जो है 5 ओरेकल कार्ड्स लेंगे, ठीक है, सेक्रेट डेस्टिनी ओरेकल से। तो यहाँ से भी कुछ मैसेजेस आपको आ जाएंगे कि क्या है आपकी लाइफ में, ऐसी कौन सी 6 बदलाव हैं जो आपकी लाइफ में आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों के अंदर अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डेक, क्योंकि इसके बहुत खूबसूरत लगता है, इसके कार्ड्स बहुत मैट फिनिश में है, और वो जो हमने इस्तेमाल किया है सेक्रेट इंडियन टैरो डेक वो भी मैट फिनिश में है, बट अच्छा लगता है इनको शफल करने में, बड़ा अच्छा सा लगता है, फिसलन फिसलन नहीं होता है, बहुत आराम से शफल भी होता है और कार्ड्स बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं, तो बहुत वो फ्लिमजी नहीं है कि भाई फिसल जाते हैं, और चिपकते भी नहीं है एक दूसरे से। तो पहला कार्ड आ गया है, इल्यूमिनेशन, बिल्कुल चीज़ें बहुत ज़्यादा मैच कर रही हैं, देखिए हायरोफेंट और हर्मिट से ज़्यादा के साथ जैसा ही जैसा ये कार्ड भी मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आया है इल्यूमिनेशन भाई, चेंज तो है, डेफिनेटली है भाई, भर भर के। तो अगले 3 महीने में इल्यूमिनेशन भी है, नाइस। नेक्स्ट दूसरा कार्ड आ गया है, प्योरिटी। अरे यार, आप प्योरेस्ट फॉर्म में तो आएंगे ही, हर्मिट ऋषि और हायरोफेंट का कार्ड आया है, जाहिर सी बात है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, और द वर्ल्ड आया है यहाँ पे, जिसको हिंदी में यहाँ पे ब्राह्मण लिखा हुआ है। तो प्योरेस्ट फॉर्म में आप अपनी बेस्ट वर्जन से मिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं अगले 3 महीनों के अंदर। प्लेजर, खुशियाँ, हमने बोला ही था खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। तो ये जो 3 महीने हैं खूबसूरत होने वाले हैं, हमने बोला था ना गणपति जाते जाते कुछ विघ्न लेके जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, हाँ लेकर ही जा रहे हैं। देखो चेंज, हमें लग ही रहा है कि कुछ तो आपकी लाइफ में इन 3 महीनों के अंदर आप कोई एक नया चैप्टर अपनी ज़िंदगी का, नया किस्सा लिखने वाले हैं। किस्सा हम लिखेंगे दिल बेकरार का, नहीं गाना नहीं गाएंगे यार, कॉपीराइट लगता है, परेशान हो गए हम। चेंज, बहुत बेहतरीन कार्ड, 2 कार्ड और लेंगे। बहुत सीक्रेट वाइब्स आ रही है हमें आपसे, मतलब बहुत सारे एडिक्शंस को, हमने बोला ही था डेविल का कार्ड फ्लिप हुआ था ना, तब हमें लग रहा था कि आप बहुत सारे एडिक्शंस को, कोडिपेंडेंसी को छोड़ देंगे अपनी लाइफ से, हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ कर देंगे कि भाई फाइनली आप अपनी पोटेंशियल को पहचानेंगे। पोटेंशियल का कार्ड है यहाँ पे, फाइनली आप अपनी पावर में आएंगे। जो लोग आपको हमेशा से ऐसा सोचते थे कि आपसे कुछ ना हो पाएगा, आप करके दिखाएंगे कि हमसे सब कुछ हो पाएगा, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। लास्ट कार्ड लेते हैं, फुलफिलमेंट, भाई वाह। तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कुछ भी आपकी लाइफ के सारे मैनिफेस्टेशन, हमें हीलिंग बोल पे ही पता चल गया था, हीलिंग बोल पे ही पता चल गया था कि आपके मैनिफेस्टेशंस कमिंग ट्रू होने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, वॉयज,
खूबसूरत भाई, वंडरफुल वंडरफुल। एक मिनट रुक जाइए ज़रा, हम कुछ कंफर्म करना चाहते हैं। ये वॉयज है कहाँ है वॉयज भाई? वॉयज कहाँ है? ओके ओके, हाँ हम्पबैक वेल, ठीक है एक मिनट रुकिएगा। पेज नंबर 103, ओके पहले हम ये इल्यूमिनेशन का कार्ड पढ़ रहे थे। यहाँ पे ये इल्यूमिनेशन का कार्ड पहले आप देख लीजिए कैसा दिखाई देता है, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। ओके सो यहाँ पे लिखा है कि जो मिस्ट है, मिस्ट आपको पता है ना कोहरा टाइप होता है, ओस मिस्ट जो होता है, ठीक है, जो आप जैसे अपने हवा से जो कांच के ऊपर एक फॉग जमता है उसके ऊपर, फिर आप सर्दियों में कुछ लिखते हैं कांच में, वो मिस्ट होता है ना, कोहरा टाइप फॉग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कि मिस्ट्स आर एसोसिएटेड विद मिस्टिकल एंड मैजिकल इनर डिमेंशंस, मिस्ट इन द माउंटेंस रिप्रेजेंट्स हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके तो यहाँ पर जो ये एल्यूमिनेशन का मतलब है कि ये सेक्रेट जो लैंडस्केप है, ये क्या बताना चाहता है? दिस कार्ड वॉन्ट्स यू टू नो योर स्पिरिट प्रोटेक्टर्स एंसेस्टर्स एंड गार्जियंस आर क्लोज एट हैंड असिस्टिंग यू ऑन योर अपवर्ड जर्नी ऑफ इल्यूमिनेशन। दे आर प्रोटेक्टिंग यू एंड सपोर्टिंग यू, योर स्पिरिचुअल लाइफ इज एक्सपेंडिंग, हमने बोला ही था आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चलेगी यहाँ पे, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। Your spiritual life is expanding by leaps and bounds. Even if you can't see what's ahead, spirit is close at hand. If you draw this card, trust your heart and what you feel more than what you see and what you think and what and you will be guided in a wondrous direction. तो आपको जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको एक सही दिशा में चलने के लिए जो है पूरी तरीके से भगवान जी प्रेरित करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और जब ये कार्ड आता है तो बस आपको अपने हार्ट पर ट्रस्ट रखना है, अपने इंट्यूशन पे को फॉलो करते हुए कि आपको क्या आप फील करते हैं, व्हाट यू फील मोर देन व्हाट यू सी एंड व्हाट यू थिंक, मतलब आपको सबसे ज़्यादा फील करना है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, जितना आपको देखते हैं जो आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आपको जो फील हो रहा है आपको उस पर ध्यान देना है। एंड यू विल बी गाइडेड इन अ वंडरस डायरेक्शन, उसके बाद फिर आपको जो है आपके सबसे बेहतरीन डायरेक्शन की ओर आपको गाइड किया जाएगा। ओके नेक्स्ट जो है वो वॉयज है जो हम देखना चाहते हैं कि उसका क्या मीनिंग है। हम्प बैक वेल, ओके तो ये एक हम्प बैक वेल है, इसके नीचे विजडम का कार्ड दिख गया हमें, तो हायरोफेंट आया था आपको पता है, विजडम हर्मिट भी आया है, विजडम सब कुछ विजडम की ओर ही लेके जा रहा है। आप कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे, एक नया आरंभ होने वाला है, आगाज़ होने वाला है, तो उसमें हमको आप कुछ नया सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अपने डर पे आपको काबू पाना हो, डर पे जीत हासिल करनी हो, कुछ भी ऐसा आप कुछ नया करके दिखाएंगे जिसकी अब तक किसी ने शायद उम्मीद नहीं की थी। ओके तो यहाँ पर जो इसका मीनिंग है, वॉयज का मीनिंग, द सीक्रेट लैंडस्केप वॉन्ट्स यू टू नो, ओके गेट रेडी, ठीक है तो गेट रेडी, यू आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी, ठीक है तो तैयार हो जाइए, आप एक नई जर्नी पे निकलने वाले हैं। इट माइट बी एन इनर जर्नी और एन आउटर वॉयज टू अ डिस्टेंट लैंड, कहीं दूर दराज कहीं पे भी हो सकता है। इट माइट बी अ प्रोजेक्ट और आइडिया दैट इज़ कमिंग टू लाइफ, बट मोस्ट सर्टेनली यू आर एन इंटरप्रेट ट्रेवलर, ओके सेलाइंग
ओके, सेलाइन फोर्थ इनटू द अननोन। तो आप कहाँ पर जा रहे हैं, कौन सी दिशा में आप मूव करने वाले हैं, ये अननोन है। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, वॉट हैव यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी, वॉन्टेड टू डू और बी, ये भी चीज़ें अभी भी छुपी हुई हैं। दिस इज़ अ टाइम टू मेक इट हैपन। तो मतलब ये एक तरह से ना आपको खुद से वो चीज़ें करनी है, वो होने देनी है चीज़ें। दिस इज़ अ टाइम टू मेक इट हैपन। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बोला भी था कि एल्यूमिनेशन में भी यही मीनिंग आया था कि कुछ चेंज है जो आपको खुद से जो है आप अपने डर पे काबू पाएंगे, आपको फील करना है रेदर देन व्हाट यू सी एंड व्हाट यू डू। तो आपके हार्ट की सुननी है, आपको फील करना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, जो आपको समझ में आता है या जो आपको दिखाई देता है या जो आप सोचते हैं वो नहीं, लेकिन आपको फील करना है। तो फाइनली वेयर यू डू यू वॉन्ट टू गो, वॉट यू हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू डू और बी, दिस इज़ द टाइम टू मेक इट हैपन। गेट प्रिपेयर्ड, हैव अ क्लियर विजन ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, बट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड भी रहना है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है। दैट इज़ पार्ट ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ बींग अ ट्रेवलर। ऑब्वियसली कि एक ट्रेवलर का एक जर्नी के लिए कई चीज़ें नई नई होती है, तो कुछ कुछ नया नया आप सीखेंगे। रिमेंबर टू एन्जॉय द जर्नी एज मच एज रीचिंग द डेस्टिनेशन। तो जितना आप जब अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे तो वो आपको जर्नी को पूरी तरीके से इन्जॉय करते जाना है। जब जब ये जर्नी आएगी, उसके बाद ऑब्वियसली ये इल्यूमिनेशन के बाद प्योरिटी आया था, ठीक है, आप अपनी सबसे बेस्ट फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में आने वाले हैं। प्लेजर, ठीक है, ये आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देने वाला है, ये जो चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है अगले 3 महीनों के अंदर। ओके, आप अपने पोटेंशियल को पहचानेंगे फाइनली कि आप में ये पोटेंशियल था हमेशा से, लेकिन शायद आपने कभी इस पर गौर नहीं किया है, इसलिए बार बार वो कार्ड हमने अभी जब पढ़ा एलिमिनेशन को, और तभी हमें समझ में आ गया था कि आपको फील करना है चीज़ों को रेदर देन व्हाट यू सी एंड व्हाट यू डू और व्हाट यू थिंक। तो आपको फील करना बहुत ज़रूरी है, तो अपनी पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है। यू आर फाइनली गेटिंग योर पावर एंड देन कम्स द फुलफिलमेंट, जो आपकी सारी विशेस को जो है दरकिनार करते हुए आपको एक ऐसी पोजीशन पे ले आएगा जहाँ पे आप अपनी पोटेंशियल को ना सिर्फ प्रूव कर पाएंगे, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आकर अपनी सारी विशेस को पूरा करने में जो है मैनिफेस्टेशंस का सहारा जो भी आप ले रहे हैं वो फाइनली वो फ्रूशन में आ रही है। तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। प्लेजर तो प्लेजर है ही भाई, ये चेंज आपकी लाइफ में जो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाला है, वंडरफुल। नेक्स्ट हम जो है सोर्ड ऑफ लाइट से देख लेते हैं कि इस दौरान पे आपको आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आता है यहाँ से, तो एक कार्ड हम यहाँ से लेंगे, उसके बाद हम स्पिरिट पोस्ट कार्ड से देखेंगे कि पोस्ट कार्ड में क्या आ रहा है, क्या लेटर आपको स्पिरिट जो है देना चाहती है, उनकी तरफ से क्या लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सोर्ड ऑफ लाइट डेक इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम क्लियर कट मैसेजेस आते हैं। इस समय आर्कएंजल माइकल आपको क्या बोलना चाहते हैं, कार्ड आ गया है भाई। लेट इट गो, तो अब समय आ गया है कि जो भी आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं, हमने बोला था ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है, आर्कएंजल माइकल बिल्कुल तेज तर्रार जवाब देते हैं। तो वो चीज़ें जो आपको हमेशा से बहुत बॉदर करती रही हैं उनको जाने दीजिए, फाइनली वो वक्त आ गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये चेंज अपनी लाइफ में लेकर आए और छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, जस्ट लेट इट गो। और जो भी आपको हमेशा से बहुत ही बैगेज और बंधुआ ही बना रखा है किसी चीज़ के, आप जकड़े हुए हैं, स्टक हैं, तो फाइनली यू नीड टू लेट इट गो। और यहाँ पर लिखा है 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो माइट बी अक्टूबर 18 का जो ये टाइम है बहुत सिग्निफिकेंट हो, या फिर 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो, 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो, या फिर 9 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये डेट्स हैं कुछ जो हमने आपको बताया। साथ ही यहाँ पे लिखा है दिस सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व्स यू, ये जो सिचुएशन है जो अभी चल रही है वो आपको अब सर्व नहीं कर रही है। अलाउ मी टू सर्व योर एनर्जेटिक कनेक्शंस टू द पास्ट सो यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि वो आपके एनर्जेटिक कनेक्शंस को हील करना चाहते हैं, तो आप उनको अलाउ कीजिए कि वो उसको सर्व करें, आपको आपके एनर्जेटिक कनेक्शन से जो है आपके पास्ट से लेकर जाएं, ताकि वो आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना पाएँ। ठीक है,
तो वो आपके एनर्जेटिक कनेक्शंस को जो है पास्ट के वो सारे कनेक्शंस को हील कर देना चाहते हैं, आपकी लाइफ से बिल्कुल इरेडिकेट कर देना चाहते हैं, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेहतरीन बना पाए, सो दैट यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर। तो ये कार्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कार्ड लिया है हमने, इसके अलावा हम कोई कार्ड नहीं लेंगे, यहाँ से कार्ड रख रहे थे और बॉटम ऑफ द डेक हमें दिखाई दे गया, तो हम पढ़ लेते हैं। 14 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लिखा है हैव नो फियर। तो वो कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं, तो डरने की बात नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। फियर इज़ अ ट्रैप ऑफ द ईगो, तो जो आपका अहंकार होता है ना, उसी का जो ये जाल होता है ना, वही होता है जो डर कहलाता है, फियर होता है, ठीक है। अलाउ मी टू यूज़ माई सोर्ड ऑफ लाइट टू फ्री यू फ्रॉम द डिसक्वाइटिंग फीलिंग्स होल्डिंग यू बैक। तो वापस से वही होल्डिंग, जो चीज़ें आपको रोक रही हैं ना, तो उसको लेट इट गो। देखो कनेक्टेड है कार्ड्स बहुत। यहाँ पे लिखा है कि आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि वो आप उनको अलाउ कीजिए कि वो अपने सोर्ड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करके आपको इन बधुआ बना देने वाली फीलिंग्स से आपको फ्री कर पाएँ, जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से। तो हैव नो फियर, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 4 एंड नंबर 14 कुड बी इम्पॉर्टेंट, एंड नंबर 18, नंबर 1, नंबर 8 एंड 9 कुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दो कार्ड्स यहाँ से सोर्ड ऑफ लाइट से आए हैं, ओके। भाई आर्कएंजल माइकल ने क्लियर कट जवाब दे दिया है, लेट इट गो एंड हैव नो फियर, ठीक है। अब जो है हम पोस्ट कार्ड निकालते हैं, उसके बाद लास्ट में हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, इस सिचुएशन का कुछ आउटकम निकालने की कोशिश करेंगे, कि कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कार्ड्स को। ये रहा पोस्ट कार्ड, यहाँ से भी हम आपको जो है चिट्ठी पढ़ के सुनाएंगे, जो स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं। तो स्पिरिट की तरफ से क्या है वो पोस्ट कार्ड, कुछ भी आपके मन में चल रहा हो इस रीडिंग के रिगार्ड्स, या कुछ भी आपके सवाल हैं, वो डायरेक्ट अभी पोस्ट कार्ड से ही आपको स्पिरिट अपना जवाब देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे खूबसूरत इसमें लेटर्स होते हैं, जो स्पिरिट इस समय आपको बताना चाहते हैं इस सिचुएशन पे। तो देख लेते हैं स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस दौरान पे। आई एम ग्लैड दैट आई परचेज दिस टैरो डेक, दिस डेक फ्रॉम Amazon, हमने ये Amazon से परचेस किया था, एंड आई एम ग्लैड कि हमने ये ख़रीदा, और समवेयर हमको ये अचानक से ही पॉपअप हुआ था Amazon की लिस्ट में, हमने इमीजिएटली इसको बाइक ख़रीदा था, मतलब उस टाइम पे। तो ऑलमोस्ट एक साल हो ही गया है हमने इसको ख़रीदे हुए, एक साल नहीं हुआ, लेकिन दिस इज़ ब्यूटिफुल। एक कार्ड आया है, ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो ये आया है पोस्ट कार्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है टू सी सेंट्स फ्रॉम हेवन। और अगर आप ये यहाँ पर एक पिक्चर देखें, तो ये देखिए हेवन से डायरेक्ट आया है आपको। तो स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, उसके बाद आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। ये आपको शायद कैमरे पे उल्टा दिखाई देगा, बट फिर भी हम पढ़ के सुनाएंगे आपको, आप देख लीजिएगा, ओके। अब हम इसको पढ़ते हैं। व्हाट डियर यू, तो स्पिरिट कह रहे हैं आपको, डियर यू व्हाट इज़ ट्रू फॉर यू, आपके लिए क्या जो है मायने रखता है, आपके लिए क्या है वो चीज़ जो सच है। कैन यू बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, क्या आप अपने शब्दों का से बिल्कुल ताल्लुक़ रखते हैं, अपने शब्दों से कनेक्ट कर पाते हैं। श्योर यू कैन एज लॉन्ग एज इट्स नॉट यूज टू मैनिपुलेट अदर्स, यस आप कर सकते हैं, तब तक जब तक आपके जो शब्द हैं आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। द ट्रूथ कैन सेट एवरी वन फ्री, तो जो भी सच्चाई है वो हर किसी को जो है फ्री कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से आपको बोला जा रहा है कि अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आने के लिए कुछ भी छुपने छुपाने वाला, आप वैसे भी आप कर्मा बिलीवर्स हैं, आप क्या ही छुपाते हैं, ट्रांसपेरेंट है सबके सब यहाँ पे, तो कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो हम लोग हाइड करते हैं। जाहिर सी बात है, हाइड करना चोरों की प्रवृत्ति होती है ना, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज होती है। तो लेट गो ऑफ द रिजल्ट्स यहाँ पे है कि एज लॉन्ग एज
इट्स नॉट यूज टू मैनिपुलेट अदर्स, द ट्रूथ कैन सेट एवरी वन फ्री, लेट गो ऑफ द रिजल्ट्स। वापस से लेट गो का यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप सारे जो रिजल्ट्स उसके क्या आने वाले हैं उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। लेट गो ऑफ योर फियर्स, वापस से लेट गो फियर। अगर आप देखें तो अभी अभी सोर्ड ऑफ उसमें भी आया था कि लेट गो भी आया था और हैव नो फियर भी आया था। यहाँ पे है लेट गो ऑफ योर फियर्स एंड अलाउ द ट्रूथ टू एम्पावर यू एंड अदर्स। ओके, दिस विल सेट इन टू मोशन अ काइंड ऑफ चेंज, अगेन चेंज आ रहा है, दैट विल बी सपोर्टिव ऑफ यू एंड लविंग एंड ऑल काइंड ऑफ प्रॉस्परस थिंग्स। दिस इज़ नॉट अ टाइम टू कॉम्प्रोमाइज एंड हाइड योर ट्रूथ फ्रॉम अदर्स। ओके, तो यहाँ पर क्लियर कट मैसेज है स्पिरिट की तरफ से कि ये वो वक्त नहीं है जब आप कभी कहीं पर किसी कोई समझौता करें और अपनी जो सच्चाई है वो दूसरे से छुपाएं। वट एवर इट इज़ यू वॉन्ट, गो फॉर इट। अभी आप जो भी चाहते हैं बस उसके लिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बस गो फॉर इट एंड बी क्लियर इन योर मोटिव्स, और क्लियर रहिए अपने मोटिव्स को लेके, स्पेशली विद योर सेल्फ। अपने साथ तो कम से कम आप सच रहें भाई। हमने हमेशा से बोला है कि आप अपने आप से कम झूठ ना बोलें, अपने आप को तो कम से कम ऑथेंटिक सेल्फ में लेके आए, ठीक है। यू विल बी सो हैप्पी यू डिड। आप अपने आप में इतने खुश होंगे कि फाइनली यू डिड। दिस इज़ अ टाइम वेयर यू विल टैप इन टू द पावर टू क्रिएट, टू को क्रिएट एंड मैनिफेस्ट योर बेस्ट लाइफ। माई गुडनेस, हमें हीलिंग बोल पे भी मैनिफेस्टेशंस की ही आया था कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है, और यहाँ पे आया है दिस इज़ द टाइम वेयर यू विल टैप इनटू द पावर ऑफ पावर टू को क्रिएट एंड मैनिफेस्ट योर बेस्ट लाइफ। अभी वो वक्त है जब आप अपनी पावर में आ रहे हैं और साथ ही आप अपनी लाइफ, बेस्ट लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, दोबारा से को क्रिएट कर सकते हैं। डजंट दैट फील अमेजिंग। तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि क्या ये खूबसूरत नहीं होने वाला है, एंड द रिजल्ट्स और इसके जो परिणाम हैं वो भी मिरेकुलस। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल चमत्कारी परिणाम इसके होंगे। व्हेन यू टेल द ट्रूथ एंड आस्क द सेम ऑफ अदर्स, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम लाइफ्स बाउंटीफुल लेसन्स एंड अचीव योर ड्रीम्स। तो एक नए पड़ाव की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं अगले 3 महीनों में। भाई कुछ तो ऐसा है जो आप या तो प्लान कर रहे हैं या तो प्लान करने वाले हैं। अचानक से आपकी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो ऐसे घूम जाएगी, बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्चून वाली वाइब्स आ रही, जिसमें आप लाइट सीयर्स में जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, उसमें एक लड़की ऊपर एक पैर पे खड़े होकर बैलेंस बना रही होती है व्हील पे, तो वैसी वाली हमें वाइब्स आ रही है जिसमें एकदम एक चमत्कारी फेज़ आपकी लाइफ का आप लिखने वाले हैं, ठीक है। और अपने आप से आप ट्रूथफुल रहें, कहने का मतलब है जो आपके किसी के ऊपर जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं चीज़ें, उसको लेट गो करने की आवश्यकता है। अपने फियर्स पे आपको जो है विक्ट्री हासिल करने की ज़रूरत है। जो भी आपको डर है, जो भी आपको चीज़ें पीछे रोकती हैं, तो उन चीज़ों को आप लेट गो करें और आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें, आप अपना पोटेंशियल को पहचानें, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक मिनट रुकिएगा। अरे हम बाद में रखेंगे भाई, पूरा बैंड मोड़ जाएगा। तो अब हम टैरो कार्ड्स ले रहे हैं और राइडर वेट ही देखना चाहते हैं। ये रहा राइडर वेट, तो देखते हैं यहाँ से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्ड 4 या 5 कार्ड ही लेंगे। पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोक देती है कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, तो आपको डेफिनेटली लेट गो करने की ज़रूरत है, और ये बहुत ज़रूरी है इस समय कि आप उस चीज़ को लेट गो करें। फाइनली आपके जो पेशेंस है वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने वाले टाइम में देने वाले हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हमने आपको बार बार वही बोल रहे हैं कि देखिए इन कार्ड्स को देख के आप ये मत सोचिए कि नेगेटिव कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, सारे के सारे तीनों नेगेटिव क्यों आए हैं। ये वो चीज़ है जिस पे आपको काबू पाना है। ये लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन जिसमें आपको लगता है कि आप बेचारे हैं और विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, उससे आपको बाहर निकलना है। आपको हील होने के लिए ये चेंज लाना ही पड़ेगा। यू नीड टू टेक द एक्शन स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है आपको खुद से ही करना है। बिकॉज फाइनली इट्स द टाइम टू लेट गो एंड हैव नो फियर। जब आर्कएंजल माइकल ने आपको क्लियर कट बताया है तो
इस डर पे आपको खुद ही जीत हासिल करनी है, उसके बाद ही ये आपको मिलेगा व्हील ऑफ फॉर्चून। तो हमने अभी व्हील ऑफ फॉर्चून की ही बात कर रहे थे, जिसमें हमने लाइट सीयर्स टैरो डेक में बोला था कि व्हील वाली वाइब्स आ रही है, जिसमें एक लड़की बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, इस समय टैरो डेक लाइट सीयर्स वाला यहाँ पे टेबल पे है नहीं, तो हम आपको दिखाते कि व्हील ऑफ फॉर्चून वाला कार्ड कैसा दिखता है। देखिए, ये जो चेंज है, ऑब्वियसली जब आप ये चेंज अपनी लाइफ में, ये जो जब आप ये चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली टावर मोमेंट आएगा एक तरह से, अरे धमाका। ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा है जिस पे कुछ लोगों के जो है मुंह खुले के खुले रह जाएंगे, और एक धमाका हो सकता है। किस तरह का धमाका? क्योंकि दिस इज़ समथिंग यू आर गोइंग टू डू ऑन योर ओन, तो आप अपनी तरफ से ये चीज़ खुद से करने वाले हैं। और क्योंकि कुछ लोग आपको हमेशा से एज ए यूज़लेस पैथेटिक पर्सन के तौर पे अगर आपको कुछ लोग व्यू करते आए हैं, अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसी कम्युनिटी है, आसपास के लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि आपसे कुछ ना हो पाएगा, तो फाइनली आप कुछ ऐसा करने वाले हैं। और ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस पर्टिकुलर जगह से अपने आप को निकाल पाएँ जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपको बार बार पीछे धकेलती है, पीछे पुश करती है। क्योंकि आपको ये चाहिए, आपकी लाइफ में ये ज़रूरी है, सन द हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस। उसके लिए ये टेम्पोररी टावर आए तो कोई बात नहीं, परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये परमानेंट टेम्पोररी जो ये भाई परमानेंट सॉल्यूशन देखना है ना, और वैसे भी आपको पता है लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, और ये तो खैर टेम्पोररी ही होगा, ये भी परमानेंट नहीं है। तो ये टावर आएगा तो ये भी वैनिश हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए? खुशियाँ चाहिए, खुशियाँ अट्रैक्ट करनी है, और ये वो टाइम है जब आपको उसके लिए फाइनली यू नीड टू टेक अ एक्शन टू अचीव दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, बिकॉज फाइनली द व्हील्स आर टर्निंग इन योर फेवर। क्योंकि आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं वो बिल्कुल सच होने वाली हैं, और इस समय अगर आप मैनिफेस्ट कुछ करेंगे तो वो भी फ्रूशन में आ जाएगी बहुत जल्दी जल्दी। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड, हायरोफेंट का कार्ड, ठीक है, और हमें ऐसा भी लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ में क्यों जैसे ही लेट गो करेंगे। देखिए, ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन और कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप काफ़ी लंबे टाइप से एक साइकिल में फंसे हुए हैं, और बार बार उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो अवश्य ये वो टाइम है जब आप इस चीज़ से बाहर निकल आएँ। तो अगर आप इसको लेट गो करेंगे, इस पर्सन को, तो इस पर्सन के भी लौटने के चांसेस बन रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस अगर आप इस पर्सन के ऊपर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली। लेकिन हमें यहाँ पे एक न्यू एनर्जीज़ के भी आने की कुछ आशंकाएं दिखाई दे रही हैं, जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। ठीक है, आप बहुत खुश होने वाले हैं, बिकॉज यू डिज़र्व समथिंग गुड। क्योंकि आप एक हायरोफेंट हैं, आप एक हर्मिट हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जिसमें फाइनली आप में कोई अपनी दुनिया तलाशेगा। अरे वाह यार, बहुत मीनिंगफुल सा कुछ बोला है हमने। देखिए, हम फ्लो में जो जो बोलते हैं ना, वो हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा फील होता है कि हमसे कोई भुलवाता है, बहुत पुश मिलता है। अभी हमने फ्लो में बोला और हम तुरंत भूल भी गए हमने क्या बोला। हाँ, याद आया, आप किसी की दुनिया होने वाले हैं। कभी आपने ऐसा सोचा था कि आप भी किसी के लिए इतने इंपॉर्टेंट होंगे? बहुत मीनिंगफुल, बहुत अच्छा सा, अच्छी सी वाइब्स आई हमें एकदम से जब हमने ये बोला ना, बहुत खूबसूरत सा लगा हमें। एक कार्ड हम यहाँ से भी ले लेते हैं, एंजल आंसर से देख लेते हैं यहाँ से क्या रहा है। एक ही कार्ड लेंगे तो आपका जो पेशेंस आपने दिखाया है ना, 50% मार्क्स आया ना सबके, 40-50 पे है ना सब, तो टाइम आ गया जब आप 60 और 70 पे कदम रखने वाले हैं। अगले 3 महीनों में तो आप 60-70 पे पहुंच ही जाएंगे, वही कमाल हो गया ये तो। और 5 महीने में हमने आपको बताया था कि मिनिमम 5 महीने में जस्टिस आ रहा है, और मैक्सिमम 5 साल में। तो ठीक है, 50 से 60 पर तो पहुँचिए भाई, पहले 60 पर पहुँचिए। ठीक है, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। एक कार्ड लेंगे एंजल आंसर्स से। आपको कोई एक ऐसी चीज़ तो है जो हर चीज़ में आपको, कुछ भी आप सोचते हैं ना, उस पर अमल नहीं कर पाते होंगे, कमेंट करके बताइएगा। आप रुक जाते हैं बार बार,
ऑब्वियसली डेविल एनर्जीज़ तो है ही, कल भी आया था कि आपको आपके ऊपर बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ है, इसलिए आपका काम बनते बनते ख़राब हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन अभी जो है वो टाइम, ये 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अक्टूबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप लोगों में से कुछ लोग बेरोज़गार बैठे हैं, जॉब नहीं है, तो कुछ भी ऐसा आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और वैसे भी अभी कुछ दिन पहले ही रीडिंग में आया था, 2-3 दिन पहले ही शायद हमने किया, कि आपको यूनिवर्स की तरफ से एक हेल्प आने वाला है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी अक्टूबर में हो सकता है कोई हेल्प आने वाली है। और कुछ लोगों को तो हमने अभी बोला है कि कुछ लोग अगर बेरोज़गार बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो भाई कुछ जॉब वगैरह अपॉर्चुनिटी हमें आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अक्टूबर में आपकी लाइफ, अक्टूबर इज़ ए लाइफ चेंजिंग मंथ, ठीक है। ऑटोमोबेटिक टिकट, तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी रिकवर हो जाएंगे। अगर कोई जुडिशियल चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी लीगल किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, हर चीज़ के मसले का हल जो है वो अक्टूबर में होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अक्टूबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, यहाँ पे टैरो में ये वाला कार्ड आया है, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक सन आया है, सन 19 नंबर होता है, तो 1+9=10 अगेन अक्टूबर। और 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, हमने आपको पहले भी बोला था कि 9 नंबर कहीं और पे भी आया था, ठीक है। सोर्ड ऑफ लाइट में आया था 18 नंबर 9 नंबर 1 नंबर 8 नंबर, ये कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं जो हमको बहुत अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, ठीक है। लेकिन अक्टूबर का तो पूरा महीना ही सिग्निफिकेंट है भाई, तो बस आप लोग तैयारी कर लीजिए अक्टूबर मंथ के आने का, स्वागत कर लीजिए, बस मतलब तैयारी कर लीजिए स्वागत की अक्टूबर मंथ के आने की, बढ़िया है। और अक्टूबर में ये भी आ रहा है, घबराना नहीं है, ये जो टावर होता है वो भी एकदम से चीज़ों को हिला के जो है वो होता ना, अचानक से शांति से आने वाले पहले जो तूफान आता है, उसके बाद बोलते हैं ना कि एक तूफान आने वाला है, उसके बाद फिर सन्नाटा छा जाता है। तो ये तूफान अगर आता भी है तो इसे घबराना कैसा भाई, आप लोग वैसे कम तूफान देखे हो क्या, ऑलरेडी आप लोग चीले चिलाए लोग हो, अच्छी तरीके से जो है बहुत सारे तूफान से लड़ लड़ के, झगड़ झगड़ के बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर पहुँचे हो, तो घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। और ये जो ये टावर है ये भी ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा, हाँ फॉर द टाइम बीइंग उस समय तो आपको थोड़ी परेशानी होगी ही, क्योंकि भाई टावर आ गया तो। और कुछ लोगों का हमने आपको बताया कि डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने की भी बहुत आशंकाएँ हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ लोगों को नई जॉब मिलती भी हमें दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है अक्टूबर के मंथ में, और आप लोग अक्टूबर में बहुत सारे लोगों से जो है कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। ये भी एक अच्छी बात है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, लोग आपकी सुनेंगे बहुत ज़्यादा आप बेसिकली। और आपको ये भी बोला गया है एंजल आंसर्स से कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो हिचकिचाइएगा नहीं, अगर आपको किसी की मदद लेनी पड़ती है तो हेजिटेशन नहीं लेने का, वो भी आप समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स चाहता है कि आप किसी की मदद लें, और गॉड ही आपको वो हेल्प खुद से भेज भी देंगे, ठीक है। तो आपकी चीज़ें जो मैनिफेस्ट हो रही हैं वो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया था, तो कुछ लोग अपने घर में नए मेहमान की भी एक्सपेक्टेशंस अगर रख रहे हैं तो डेफिनेटली वैसी भी एनर्जीज़ हैं, कुछ टाइम से आ भी रहा है रीडिंग में कि एनर्जीज़ बहुत फर्टाइल है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जो हमने की है, और कुछ चुनिंदा डेक्स का इस्तेमाल करते हुए हमने देखा, ठीक है। तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग जो है लागू करने की या थोपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रीडिंग तो भाई अच्छी है, पॉजिटिव है, अगर आप थोप भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट भी हमें आता हुआ दिखाई दिया है, अगले 3 महीनों में एक नया चैप्टर भाई किसी चीज़ का आगाज़ हो रहा है, वो हीलिंग बोल पे दिखाई दिया था, आप ये मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू, वो भी हीलिंग बोल पे। तो हीलिंग बोल जो बताता है कहीं ना कहीं रीडिंग उसी से मैच होती भी आपको तो दिखाई देता ही होगा, तो हीलिंग बोल तो मतलब कमाल है, चमत्कारी है। हमको तो भाई काफ़ी चीज़ें हीलिंग बोल पर ही पता चल जाती है, हम रीडिंग करके क्या करेंगे, झपड़ में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, सोच रहे हैं यही बजा दिया करेंगे और चले जाया करेंगे, क्या बोलते हो मुखिया, तो कुछ भी करें। तो जी ये है आप लोगों की रीडिंग, हम चलते हैं। और टैरो क्लासेस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे ही, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलिएगा, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, सब कुछ जो है डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।
ठीक है, अभी हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है, और दे दीजिएगा, ठीक है, और दुआएं दीजिए भाई, दुआएं लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही भाई।